हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक अलग तरीके की देसी स्टाइल भवड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कचौड़ी की तरह ही बनता है, पर ये हम देसी स्टाइल में बना के दिखाएंगे और गांव में इसे भवड़ी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम आलू मटर की फिलिंग तैयार करके बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ठंडी के सीजन में गर्मा गर्म कचौड़ी भवड़ी मिल जाए तो खाने वाले को तो मज़ा ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को हम थोड़ा सा भूनने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच राई। साथ में डालेंगे हम कलौंजी, यानी कि हम लोग मंगरला भी कहते हैं इसे। फोरन चटकने लगा है। अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हींग, यानी कि 1/2 चम्मच। फोरन चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। प्याज को हम भूनेंगे, यानी कि हल्का ब्राउन होने तक हमें भूनना है। जब हम देसी स्टाइल में भवड़ी बनाते हैं तो फोरन डालते हैं तभी से खुशबू आना शुरू होने लगता है। अब हम हल्का सा प्याज को भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, और प्याज के साथ हम इसे भी भून लेंगे जब तक कि ये दोनों का कच्चापन न चला जाए। आप देख सकते हैं अपना प्याज जो है अच्छे से भून चुका है, लहसुन भी भून गया है। फोरन के साथ में कितना सुंदर लग रहा है प्याज लहसुन भुना हुआ। हमने चम्मच से किया क्योंकि वो चम्मच छोटा था। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मटर। ये फ्रेश मटर है जिसे हमने पानी में बॉयल कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैश जा रहा है। तो हम इसे प्याज में डाल देंगे और इसको ऐसे प्रेस करके हुए हम चलाएंगे प्याज के साथ। मटर को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अपनी भवड़ी चटपटी हो इसके लिए हम 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि फिलिंग थोड़ा तीखा तीखा हो तो भवड़ी हो कचौड़ी हो उसका टेस्ट बढ़िया आता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, साथ में हम नमक भी डाल देंगे। तो हम 1/2 किलो आलू इसमें ऐड करेंगे, उसी प्रमाण से हम नमक डालेंगे। तो आप अंदाज से डालिएगा। अब हम मटर के साथ मसाला को कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। तो हमने मसाला भी भून लिया है। आप देख सकते हैं हम जितना प्रेस कर रहे हैं उतना अपना मटर जो है मैश होते जा रहा है, क्योंकि इसे हमने बॉयल करके डाला था और ताजी मटर वैसे भी हल्का सा स्टीम की थी तो सॉफ्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे मसाला मटर सब भून लिया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू को डालेंगे। तो आलू को हमने उबाल के छिलके हटा लिए हैं। ये 500 ग्राम आलू है मेरा। अब हम 1-1 आलू लेंगे और ऐसे मुट्ठी से प्रेस करते हुए
मटर में छोड़ देंगे। ये भभरी जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ऐसे हम सभी आलू को मैश के डाल देंगे। अब हम मसाला को आलू के साथ अच्छे से मैश करेंगे। एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक सुखाएंगे, क्योंकि आलू में नमक डालने से थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, यानी कि पानी छोड़ता है। उसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनते हुए हल्का ड्राई कर लेंगे। आलू को हमने मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, जिसे हमने हथेलियों पे क्रश कर लिया है। अजवाइन के बिना तो भभरी का टेस्ट ही नहीं आता है। और साथ में हम थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद लास्ट में हम डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता को हमने धो के बारीक बारीक काट लिया है, तो इसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता। ये सारे देसी स्टाइल में जब हम भभरी बनाते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो गांव वाली फीलिंग आती है भभरी का। अब हम सबको चलाते हुए मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो आपने देख लिया, हमने धनिया पत्ता गरम मसाला सबके साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू को। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एक इसे प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि कढ़ाई में ठंडा होने में टाइम लगता है। तो हमने आलू मसाला को अलग निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो चुका है, ये ठंडा हो गया है। देखिए अब हमारा हाथ सह रहा है। तो चलिए हम इसे आटा में भरना बताते हैं। तो भभरी बनाने के लिए हमने आटा पहले ही लगा लिया था। ये आटा वैसे ही लगता है जैसे हम आलू पराठा के लिए लगाते हैं या कचौड़ी के लिए लगाते हैं। तो मैंने अलग से नहीं लगाया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब हम आटा की लोई तोड़ेंगे। तो हमें जितने बड़े बड़े साइज के भभरी बनाने हैं उतने बड़े बड़े तोड़ेंगे। इसे आप कचौड़ी भी कह सकते हैं, पर हमने इसे देसी स्टाइल में बनाया है तो नाम भी देसी दिया है भभरी। तो ऐसे हमने रोटी से थोड़ा बड़ा सा लोई ले लिया है। लोई को हम आटा से ऐसे डस्ट करेंगे और राउंड कर लेंगे। फिर इसे हम एक कटोरी का शेप दे देंगे दोनों अंगूठियों की मदद से। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो हमने जो आलू मटर की स्टफिंग फ्राई करके तैयार किया है उसे डालेंगे और 2 अंगुलियों से ऐसे दबाते हुए अंदर की तरफ इसे करते हुए मुंह को ज्वाइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा अगर आपका बचता है तो ऐसे तोड़ के निकाल दीजिए, दूसरे लोई में काम आ जाएगा। मुंह को हमने ज्वाइंट कर दिया। हथेलियों से इसे हमें हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना है। तो ये अपनी भभरी आधी अधूरी तैयार हो गई। हम इसे हल्का सा आटा से डस्ट करेंगे और रोटी बनाने वाला एक चौकी लेंगे, उस पर रखते हुए एकदम हल्के हाथों से 2 बार ही ऐसे और 2 बार ऐसे करेंगे। तो ये अपनी भभरी तैयार हो गई। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अपना गर्म हो चुका है। ऐसे हाथ करने पे आपको पता चल जाएगा कि तेल अपना गर्म हुआ है कि नहीं। तेल हमें ज़्यादा नहीं गर्म करना है, ना ज़्यादा ठंडा, एकदम मीडियम रखना है। अब हम ये भभरी को धीरे से ऐसे तेल में छोड़ देंगे और एक साइड से हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम एक बार इसे उलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये अपनी आलू मटर की भभरी। दूसरे साइड से भी हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी भभरी जो है एकदम फूल के इसका मुंह कितना अच्छा खुल गया है। यही भभरी की पहचान है कि अच्छे से अंदर से फूली हुई है। फिर हम दूसरे साइड से उलट के
गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अपनी कचौड़ी की कलर यानी कि हवड़ी की कलर एकदम ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे टेढ़ा करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये रही अपनी आलू मटर की भवड़ी। अब चलिए हम दूसरा बैच ऐसे ही डाल लेते हैं। तो हमने दूसरी कचौड़ी भी भर के तैयार कर ली है यानी कि भवड़ी। हम धीरे से इसे तेल में छोड़ देंगे और सेम प्रोसेस से उलट पलट के हम उसे फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं हर एक कटोरी की मुंह अपने आप फूल के भर जा रही है। यही पहचान है परफेक्ट कचौड़ी की। अच्छे से आटा तैयार करना, अच्छे से भरना, ये कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये अच्छे से ब्राउन यानी कि क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालते जाएंगे। ऐसे ही हम सभी कचौड़ियां तल लेंगे। आलू मटर की देसी स्टाइल में भवड़ी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। और आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी तैयार हुआ है। आपको मैं आवाज सुना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।